उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को सीजीएम कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने ये कहकर रिमांड मांगा कि अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन है, वो बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए हथियार दिखाता है, उसके पास हथियारों का जखीरा है, उसके ISI और लश्कर से भी संबंध है। रिमांड के दौरान अतीक वो हथियार बरामद करा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अतीक अशरफ को प्रयागराज की पुलिस लाइन लेकर आई। यहां इन्हें रात को धूमनगुंज थाने लाया गया। 17 अप्रैल की शाम 5 बजे पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों भाइयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पेशी के दौरान जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। अतीक वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसने पीने को पानी मांगा। फिर अतीक ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वहीं कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल अमर रहे के नारे लगे, साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को RAF की सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया। पुलिस दोनों को कोर्ट से जिला कॉन्ट्रैक्ट से पैदल लेकर बाहर निकले और प्रिजन वैन में बिठाकर पुलिस लाइन ले गए। वहां अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरी खरी न्यूज़।